चले तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में संभाग पढ़ेंगे और सारे के सारे संभाग आप लोगों को कहानी से याद करवाऊंगा। ठीक है, कहानी से तो याद करवाते हैं तो कहानी से ही याद करवाएंगे। 10 संभाग है, पहले वाले संभाग तो सबको पता है, लेकिन 3 संभाग और हो गए। पहले 7 संभाग थे, अब 3 और बढ़ गए तो कितने हो गए? 10 संभाग पढ़ेंगे सारे के सारे। कौन से संभाग में कितने जिले, सब कुछ कहानी से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं क्लास को शुरू। 10 संभाग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जयपुर से। ठीक है, तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल कहानी से, बिना किसी टेंशन के। ओके, हाँ गुरुजी, ओके। नंबर 1, जयपुर, जयपुर संभाग। ठीक है, अब बोलेंगे गुरुजी जयपुर में कौन कौन आवा है। पहले मैं नाम लिख रहा हूं, फिर मैं आपको कहानी से याद कराऊंगा। ठीक है, तो जयपुर में, जयपुर प्लस प्लस से समझ जाना, दूसरा आ जाएगा आगे ना। जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, अलवर, कोटपूतली, कोटपूतली। ठीक है, कोटपूतली बहरोड, ऐसे याद कर लेना, कोटपूतली बहरोड। ठीक है, प्लस दौसा, दूदू, खेरतल, तिजारा, खेरतल, तिजारा। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जयपुर में 7 जिले हैं। अब कहानी से कैसे याद करोगे? जयपुर संभाग में जयपुर, जयपुर ग्रामीण 2 हो गए, यानी जयपुर के 2 टुकड़े हो गए। बोले आल्यो भाया, आल्यो जयपुर ने काट दिया, आल्यो जयपुर को काट दिया। ठीक है, थाने के लाक्षी, दोस्त लाक्षी, दूध पीता टापर ने काट दिया, यानी दूध पीतो ही तो जयपुर लाई, दूधू यानी दूध पीता, यानी काट दिया कि काट दिया, खैर कोई बात नहीं, काट दिया तो काट दिया। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएंगे जयपुर के संभाग, आप जयपुर संभाग में जिले कौन कौन से वो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ जयपुर संभाग में तो कितने हो गए? 7 जिले हैं। ठीक है, अब आ गया हो अजमेर, अजमेर संभाग, इसमें भी कितने हैं? इसमें भी कितने जिले हैं? अजमेर संभाग में भी 7 जिले हैं। ठीक, अब इसको कैसे याद करोगी? अजगर। ठीक है, तो अजगर, अजगर और नागौरी, नागौर। ठीक है, अजगर और नागौरी दोनों कहाँ से निकले? कूचामढ़, यानी कूचा, कूचा तो सब जानते हो, सब जाना है, डीडवाना, डीडवाना, कूचामन। ठीक है, अजगर और नागौरी, अजगर और नाग दोनों कहाँ से निकले? कूचामन, कूचामन से निकले और कहाँ चले गए? शाहपुरा, शाहपुरा की टंकी में घुस गए, शाहपुरा की टंकी में घुस गए, और टंकी में क्या रहते थे? टंकी में केकड़ी, यानी केकड़े खाते थे। कौन? अजगर और नागौरी कूचे से निकले, शाहपुरा की टंकी में घुस गए, और वहां पर क्या करते थे? केकड़े खाते थे। क्या खाते थे? केकड़े खाते थे, और दोनों एक जगह रहते थे, और दोनों ने फिर क्या कर लिया? ब्याह कर लिया। ठीक है, दोनों दोनों किसने? अजगर ने और नागौरी ने, दोनों ने क्या कर लिया? ब्याह कर लिया। तो ब्यावर, ये हो गए अजमेर संभाग के 7 जिले। ठीक है, अब आ जाओ आगे, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग को कैसे याद करोगे? बिल्कुल कहानी से याद करवा रहा हूँ आप लोगों को। भरतपुर यानी भर गया, भरतपुर यानी भरपूर, भरपूर क्या खिलाए? करेले खिलाए, भरपूर करेले खिलाए। कैसे खिलाए? धो धो कर खिलाए, भरपूर करेले खिलाए। कैसे खिलाए? धो धो कर खिलाए, धो धो कर खिलाए। किस में खिलाए? किससे धोया? गंगापुर सिटी, यानी गंगा के पानी से धोया, गंगापुर सिटी। करेलों को किससे धोए? गंगा के पानी से धोया। किसको खिलाए? किसको खिलाए? सवाई मान सिंह को खिलाए, सवाई माधोपुर, सवाई मान सिंह को खिलाए, फिर भी डिगा नहीं। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएंगे, भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले वो आ जाएंगे, यानी भरपूर करेले खिलाए, धो धो कर खिलाए, गंगा के पानी से धोकर खिलाए, किसको खिलाए, सवाई मान सिंह को खिलाए, इतने करेले खाने के बाद भी सवाई मान सिंह डिगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 छह जिले किसमें हो जाएंगे, भरतपुर संभाग में हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ जोधपुर संभाग में, सारे के सारे याद कराऊंगा जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग में देखो, रिकॉर्ड तो हो रही है ना, कभी कभी क्लास रिकॉर्ड नहीं होती, मुझे पता ही नहीं चलता। अब आगे देखो जोधपुर संभाग, अब जोधपुर में तो आप लोग दो तो वैसे ही बता दोगे, जोधपुर प्लस जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, वो ऐसे भी बोलते हैं जोधपुर उत्तर जोधपुर दक्षिण, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोधपुर ग्रामीण बोलता है, कोई जोधपुर शहरी भी बोलता है, तो जोधपुर जोधपुर ग्रामीण। पूर, अब पूर तो सब जानते हो कि किसे कहते हैं, पूर कपड़े को, ठीक है, अब पूर किसके थे, पूर किसके थे, पूर थे भाई साहब लोदी के थे, पूर किसके थे, लोदी के थे, पूर किसके थे, लोदी के यानी फलोदी के, यानी कि लोदी के पूर कहाँ सुखा दो आप, बाड़े में सुखा दो, लोदी के पूर कहाँ सुखा दो, बाड़े में सुखा दो, क्या भाई बाड़े में क्यों सुखा दो, क्योंकि बाड़ा कहाँ था, बाड़ा जहाँ सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, यानी कि अपने राजस्थान में जैसलमेर में मरुस्थली इलाका, वहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, ठीक है, तो जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर में तो इतनी धूप पड़ती है कि लोदी के कपड़े तो क्या वहाँ तक तो बाल तक उतर जाते हैं, इतनी धूप पड़ती है, बालोतरा बाल तक उतर जाते हैं, इतनी धूप पड़ती है कहाँ पर, जैसलमेर में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 छह जिले किसमें हो जाएंगे, जोधपुर संभाग में। अब आ जाओ आगे कौन सा, उदयपुर संभाग, उदयपुर। अब उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले, वो कैसे याद करोगे, उदय हुआ, जब सूर्य उदय होता है स्लो स्लो उदय होता है, यानी स्लोली स्लोली उदय होता है, सलूम्बर, स्लो स्लो उदय हुआ सलूम्बर, ठीक है, जैसे सूर्य उदय हुआ तो चीतों पर, चित्तौड़गढ़ चीतों पर भीलों ने क्या कर लिया, भीलवाड़ा, 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 राजसमंद। सूर्य जब उदय हुआ, जब उदय हुआ सूर्य उदय हुआ तो स्लोली स्लोली उदय हुआ तो चीतों पर भीलों ने क्या कर लिया, राज कर लिया, ठीक है, और उदयपुर आ ही जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत। तो 1 2 3 4 और 5 जिले इसमें आ जाएंगे, किसमें, उदयपुर में। बताओ यहां तक, ऊपर वाले मिटा दूं, हाँ गुरुजी बिल्कुल मिटा दे, और नोट थे करता रिज्यू, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, अब आ जाओ पाली, पाली भी संभाग बन गया, नहीं बना बेचारा पाली। अब क्यों हो, एक चोर हो, ठीक है, कौन हो, एक चोर हो, वो चोरी करके भाज रहे हो, तो लोग क्या करिया, भी चोर ने पकड़िया, ठीक है, चोर ने पकड़िया और बिन पाल पर बिठाया, ठीक है, पाल पर बिठार बिन के खिलाया, सीरो खिलाया, और सीरो खिलार के कर दिया, बिन जाड़ में बंद कर दिया, ठीक है। तो पाली संभाग, सांचौर पाली सिरोही जालौर, याद हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया, पाली संभाग हो गया। अब आ जाओ सीकर संभाग, सीकर, ठीक है, सीकर, कर लिया, एक व्यक्ति से कर लिया तो वो कहाँ पहुँच गया, थाने में पहुँच गया, नीम का थाना, एक व्यक्ति से कर लिया तो थाने में पहुँच गया, नीम का थाना, और फिर उसको मनाने के लिए वो नीम का थाना यानी थाने पहुंच गए तो केस करके आ गया, तो बिन राजी करना खातर बिन के खिलाया, चूरमो खिलाया, और बिकन के बजाया, झुंझुनू बनाया गया, झुंझुनू बजाया गया, भाई तू के कर थारो केस पाछो ले ले, ठीक है। तो सीकर में कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, नीम का थाना, चूरू, झुंझुनू, और एक सीकर खुद हो जाएगा, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब आ जाओ बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, तो एक तो स्वयं बीकानेर हो जाएगा, बीकानेर प्लस गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ प्लस अनूपगढ़, ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3
चार जिले किसमें हो जाएंगे, चार जिले किसमें हो जाएंगे, बीकानेर भी। इसमें कितने जिले हो गए, चार जिले हो गए, ठीक है। बीकानेर के बाद में आ जाओ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग में एक तो बांसवाड़ा स्वयं हो जाएगा, बांसवाड़ा में एक तो बांसवाड़ा स्वयं हो जाएगा। बांस की खेती कहाँ होती है, डूंगर में, डूंगरपुर। बांसवाड़ा, बांस की खेती कहाँ होती है, डूंगरपुर में, ठीक है। डूंगरपुर और डूंगरों में से क्या निकलता है, ताप निकलता है, प्रतापगढ़। ये तो मैंने आपको पहले ही जो राजस्थान का मैप भरवाया था तब याद करवा दिया था, ठीक है। तो बांसवाड़ा, बांस की खेती कहाँ होती है, डूंगरों में, और डूंगरों से क्या निकलता है, ताप निकलता है, डूंगरपुर, ठीक है। अब आ जाओ कोटा, कोटा, काटा, किसको काटा था, टंकी को काटा था, तो टंकी से क्या टपकी थी, बूंद टपकी थी, बूंदी, बूंद टपकी तो टंकी को बाहर फेंका, तो बारह, बाहर फेंकने के लिए झाला दिया था, झालावाड़। ये तो आप लोगों को मैंने याद करवा दिया था। तो एक दो तीन चार, चार किस्में आ जाएंगे आपके कोटा में आ जाएंगे, ठीक है। बताओ कितने संभाग हो गए, 10 संभाग मैंने आप लोगों को याद करवा दिए हैं। एक बार और क्लास को देख लेना, ठीक है, समझ में आया होगा, कहानी से मैंने आप लोगों को याद करवा दिया है। 10 संभाग, 10 संभागों में कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए। ओके, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सब्सक्राइब कर देना, और क्लासें आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। ओके, बाय।